अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले के लेक्चर में हमने कुछ बुनियादी चीज़ें केमिस्ट्री की देखी थी, अब उसके बाद देखने वाले हैं हम मादा, असल क्या चीज़ है। जो केमिस्ट्री के अंदर जो मेन चीज़ है वो है हमारी मादा है। तो मादा क्या है, हर वो शय जो बनी हुई है वो मादे से मिलके बनी है। हर छोटी से छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ क्या है, हर चीज़ मादे से मिलके बनी है। अब ये आपके बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि मादा क्या है आपको ये नहीं पता है, तो मादा किसे कहते हैं ये भी नहीं पता है। तो मादा हर चीज से मिलके कैसे बना, या फिर मादे से हर चीज मिलके कैसे बनी है, ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मादे की तारीफ देखते हैं, मादे की डेफिनेशन देखते हैं कि मादे की तारीफ क्या है। तो मादा ऐसी चीज जो क्या करती है, जगह घेरती है और जिसका कोई ना कोई वजन होता है, उसे हम मादा कहते हैं। ठीक है, मादा किसे कहेंगे, जिसकी कुछ ना कुछ जगह घेरती है और उसका कुछ ना कुछ वजन होता है, उसे हम क्या कहेंगे, मादा कहेंगे। और अगर इंग्लिश में आपको कहना है विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, वो क्या कहता है, कुछ जगह लेता है, एंड देयर वॉल्यूम, और उसका कुछ क्या होगा, वजन होगा, वॉल्यूम मतलब वजन होगा, तो वो क्या कहलाएंगे आपका, मादा कहलाएंगे। ठीक है, तो मादा आप कुछ एग्जाम्पल देते हो जिसकी वजह से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। कंसिडर कर लो ये बोर्ड, ये बोर्ड ने क्या लिया, ये इस दीवार पे की, इस वॉल पे की क्या कर रहा है, इतनी सारी जगह ले लिया। और उसके बाद अगर हम इसका वेट करेंगे, वजन करेंगे, तो कुछ ना कुछ इसका वजन में निकलेगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका, मादा कहलाएगा, मैटर कहलाएगा, है ना। और उसके बाद अगर मैं ये मार्कर की बात ले लूं, ठीक है, तो ये मार्कर ने क्या करा, इस बोर्ड पे की इतनी जगह ले लिया, ज्यादा नहीं लिया लेकिन कुछ ना कुछ तो जगह लिया, कम इसमें ही लिया हो लेकिन जगह लिया हो। उसके बाद फिर अगर इसका हम कुछ वेट करेंगे, 20 ग्राम 10 ग्राम, तो कुछ ना कुछ वेट भी आ रहा है, तो ये क्या है, मादा है। अगर उसके बाद हम, अब कुछ एग्जांपल आपको खुद से सोचना है जिसकी वजह से आपको ये चीज ऑटोमेटिकली आपकी क्लियर हो जाएगी। आपके आसपास जितनी भी चीजें नजर आ रही है, तो वो सोचिए आप, जैसे कि आपके घर में कूलर होगा, तो कूलर जो है वो मादा है या नहीं है, ठीक है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि मादा नहीं है, तो फिर क्या करना, आपने तारीफ, उसकी तारीफ सोच लेना कि तारीफ क्या थी मादे की। मादे की तारीफ ये थी कि विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, वो क्या करता है, कुछ जगह लेता है, उसका कुछ ना कुछ वजन होता है, तो कूलर ने इतनी जगह लिया है। और उसके बाद अगर इसका हम वजन करेंगे, या फिर अगर आपको लगता है इसका वजन नहीं है, तो उसको उठा के देख लेना, उससे और समझ में आ जाएगा कि हाँ भारी है, यानी इसका कुछ ना कुछ वजन जरूर होगा। तो उसके बाद फिर दरवाजा है, खिड़की है, या फिर लाइट वगैरह है आपके घर में, या फिर जितनी भी चीजें जो आपके पास मौजूद है, सबके सब चीजें मादे से मिलके बनी है। तो ये आप इस तरीके से अगर पढ़ेंगे, कोई भी चीज को क्या करेंगे, अगर पढ़ेंगे और उसका प्रैक्टिकल तौर पे सोचेंगे, तो वो चीज आपको हमेशा याद रहने वाली है। ठीक है, तो ये आपका मादा है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, मादा किन किन हालात के अंदर पाया जाता है, कि मादा तो है ही लेकिन उसके हालात भी मुख्तलिफ किस्म के। तो मादे की जो है 5 किस्में है वैसे तो, लेकिन आपको सिलेबस के अंदर जो दिया हुआ है, आपके सिलेबस में वो सिर्फ 3 दी हुई है, वो है ठोस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, एक आता है माय, जिसे कहते हैं लिक्विड, और एक आता है गैस, जिसको इंग्लिश में भी गैस ही कहते हैं। ठीक है, अब इन सब की जो तारीफ है हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए हम समझ लेते हैं क्या है। और मैंने आपको बोला था 5 आते हैं, तो 5 में 2 जो है वो और आपके नॉलेज के लिए आपको बता दें, एक आता है प्लाज्मा और एक आता है कंडेंस, जिसका आपको स्टडी तो नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं, जो आपको नॉलेज वगैरह के लिए काम में आएगा। तो प्लाज्मा कंडेंस ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम मेन ये देख लेते हैं, सॉलिड लिक्विड मैस गैस। तो जैसे कि आप घर में क्या है, जो भी चीज आपको हार्ड नजर आ रही है वो क्या है, सॉलिड है। जैसे कि ये दीवार, ये सॉलिड है, उसके बाद ये बोर्ड सॉलिड है, उसके बाद आपके घर के अंदर क्या होंगे, बहुत सी चीजें सोचो, थोड़ा पिल्लर वगैरह होंगे वो हार्ड होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, लोहा, वो भी हार्ड है, वो भी क्या है, सॉलिड के अंदर आता है। फिर जो आप चीज पानी पीते हैं वो भी क्या है, मादे में आता है ना, तो वो क्या है, लिक्विड है, वो माय है। उसके बाद फिर जो सांस हम ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं, ये भी क्या है, गैस, ये भी काय में आता है, मादे में आता है, ये भी चीज मादे से मिलके ही बनी ही है। ठीक है, इसलिए ये सब चीजें हम अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, इसको डिटेल के अंदर देखेंगे। उसके बाद क्या करें, मादे को 2 और चीजों के अंदर क्या किया गया है, दर्जाबंदी की गई है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो 2 क्लासिफिकेशन क्या है, हम वो देखते हैं मेन वाली। एक है आपका सब्सटेंस, जिसको कहेंगे हम शय, ठीक है, और एक जो आता है वो आता है मिक्सचर, जिसको कहते हैं हम आमेजे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम सब्सटेंस क्या है।
सब्सटेंस किसे कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसकी असली हालत में और एक ही चीज में मौजूद होती है, उसे कहेंगे हम सब्सटेंस जो असली हालत में और एक ही चीज से मिलके बनी होती है। जैसे कि ये बोर्ड है, ये प्लास्टिक से मिलके बना हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका सब्सटेंस हो गया। लोहा, वो भी कैसे मिलके बना हुआ है, लोहे से मिलके बना है, तो सिर्फ उसमें लोहा ही है, दूसरा कोई चीज और मिली हुई नहीं है, तो वो क्या हो गया आपका क्षय हो गया, सब्सटेंस हो गया। ठीक है, और उसके बाद इसको और तीन इसके अंदर क्या किया गया है, दो इस सॉरी इसको दो इसके अंदर क्या किया गया है, दर्जाबंदी की गई है। तो एक जो है आपका वो है कंपाउंड, जिसको कहते हैं मुरक्काबाद, और एक आता है आपका एलिमेंट, जिसे कहते हैं अंसर। ये आपका आंसर। अब एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, तो शय जो थी वो आपकी एक ही चीज से मिलकर बनी थी, तो एलिमेंट में क्या होता है, एलिमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है, दूसरी कोई चीज शामिल ना हो, जिसमें सिर्फ एक ही शय का इस्तेमाल किया गया हो, उसे कहते हैं हम आंसर और एलिमेंट। और एलिमेंट जो आपका एलिमेंट और आंसर है, इसको और तीन हिस्सों के अंदर क्या किया गया, दर्जेबंदी की गई है, जिसे कहते हैं मेटल, जिसको कहेंगे धातु, एक आता है नॉन मेटल, जिसको कहते हैं हम आधात, और एक आता है आपका मेटलॉइड। जो इन दोनों के बीच में का रहता है। और उसके बाद आता है आपका कंपाउंड, तो कंपाउंड क्या चीज है, इसकी तारीफ ये है कि कंपाउंड जो होता है वो एक और एक से ज्यादा चीजों से मिलके बना होता है। जैसा कि पानी, पानी क्या है, दो चीजों से मिलके बना है। पानी का फॉर्मूला क्या है आपका, H2O, तो H हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन, दोनों भी अलग अलग चीज है, ये दो चीजों से मिलके बना है, ये क्या है आपका कंपाउंड है। ठीक है, और उसके बाद हम देखने वाले हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से, तारीफ इस तरीके से कि मिक्सचर जो होता है वो मुख्तलिफ चीजों से मिलके बना हुआ होता है, मुख्तलिफ चीजों से मिलके बनने वाली चीज को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं, आमेजे कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शरबत, शरबत के अंदर जैसा कि आपने रूह अफ़ज़ा बनाया, रूह अफ़ज़ा के अंदर रूह अफ़ज़ा है खुद, फिर उसके बाद पानी है, फिर उसके बाद शक्कर है, उसके बाद उसके अंदर लीमू है, तो ये सब चीजें क्या है, अलग अलग चीजें मिलके बनी हुई है, तो उसे कहते हैं हम आमेजे। ठीक है, तो ये आपका कुछ बेसिक चीजें थी, आप इंशाल्लाह इसके आगे के लेक्चर में इसके आगे का देखेंगे और इनके हम अच्छी तरीके से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, जजाक अल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।